मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। पूर्णिया शहर के आरंसा चौक पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरिता राय के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की गई। वहीं भाजपा प्रवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने आजाद हिंदुस्तान का पहला शर्मनाक बयान बताया। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग प्रदेश महिला मोर्चा के नेतृत्व में पूर्णिया महिला मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने जो उच्च सदन में महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करती हूं, और संपूर्ण महिलाओं को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री थे और क्या हो गए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े पद पे बैठे हैं और इतने बुजुर्ग हैं और किस तरह बोला जाता है ये अब उनको ज्ञान नहीं रहा, इसलिए उनको तो अब मुख्यमंत्री का पद त्याग कर देना चाहिए। और हम सभी महिला मोर्चा की ओर से मांग करते हैं उन्हें तो इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि जब भाषा उन्हें बोलने के लिए नहीं आता है, उच्च सदन में बैठकर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और जिन्हों की हम बोलने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि अगर हम दुनिया में जीते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन उसको अगर हम बखान करके और उच्च सदन में बोलते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और महिला मोर्चा इसकी घोर निंदा करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, संसद का असर इतना गंदा होगा ये हम लोग कभी सोचा नहीं था। जब वो हम लोगों के साथ थे, बीजेपी के साथ थी, तब उनकी भाषा कुछ और थी और अब उनकी भाषा कुछ और है, ये सारी दुनिया देख रही है। और माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह का भाषा का प्रयोग करना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग सभी घोर निंदा करते हैं, बहुत अपने आप को शर्म महसूस करते हैं और लज्जित महसूस करते हैं तमाम महिला बहनें, इसलिए हम लोग उनकी इस्तीफा की मांग करते हैं। मैं महिला मोर्चा जिला पूर्णिया की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम सरिता राय। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से विधानसभा में और विधान परिषद में महिलाओं की मर्यादा को तार तार करता है। और मैं तो सोचा था इतनी बड़ी घटना के बाद वो अपने घर में मुंह छुपाकर बैठे रहेंगे, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य लगा कि वो विधानसभा में आए। उनको तो विधानसभा आना ही नहीं चाहिए था और वो विधानसभा में आए और सबसे अपना माफ़ी मांग लिया। माफ़ी मांग लेने से क्या इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा? यह बिल्कुल गलत बात है। उनमें अगर थोड़ी भी शर्म और हया बची है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यही हम चाहते। आपके फैशन से त्योहार की रौनक और बढ़ेगी दीपिक शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें मेंस, वुमेन्स, किड्स वियर के बेहतरीन ब्रांड्स एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार।